मारुति सुजुकी ने ब्रेजा को सीएनजी के साथ में ऑलरेडी ऑटो एक्सपो के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था। वहाँ पे अनवीलिंग के वक्त हमें फीचर्स का लिस्ट देखने को मिला था, हालांकि गाड़ी लॉक्ड थी तो इस वजह से अंदर के जितने फीचर्स के अंदर जितने भी चेंजेस वगैरह आए होंगे वहाँ पे ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन उसके बावजूद हमने ये तो पता चली गया था कि कितनी चीज़ें आपको ब्रेजा सीएनजी के साथ में देखने को मिलने वाली है, जो कि अनवीलिंग के बाद आपको देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। अब फाइनली गाड़ी आने वाली है, लेकिन नेक्स्ट टू या थ्री मंथ्स के अंदर अंदर आपको गाड़ी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन वो लॉन्च होगा, अभी अनवील हुई है, लेकिन ज़्यादातर ब्रोशर वगैरह उन लोगों ने बाहर नहीं किए हैं, तो इस वजह से इस वीडियो में हम आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाले। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, आपको लॉन्च डेट प्राइसिंग वगैरह वीडियो को एंड तक पता चलेगा। एक्सटीरियर और इंटीरियर के अंदर होने वाले बदलाव, फीचर्स जो नए आएंगे आपको वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा ज़रूर देखना। और एक चीज़ की इस चैनल के ऊपर आपको एवरीडे हर रोज़ के बेसिस के ऊपर आपको शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि ऑटोमोटिव रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को कवर करते हैं और अपकमिंग कार्स की डिटेल्स की क्विक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो शॉर्ट्स देखा करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, एवरीडे शॉर्ट्स को देखा करो। और वीडियो पे अब वापस आते हैं और बात करते हैं ब्रेजा सीएनजी की। तो एग्जैक्टली कितने पैरामीटर्स के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्रेजा से कि इतने या फिर इतने फैक्टर्स के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और तगड़े फीचर्स जो कि आपको ब्रेजा नॉर्मल फेसलिफ्टेड जो कि पेट्रोल के साथ में उसके अंदर नहीं मिलते, वैसे कौन से फीचर्स होंगे, उन सब की भी हम डिटेल में बात करने वाले। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गाड़ी के एक्सटीरियर से शुरुआत करेंगे कि गाड़ी के एक्सटीरियर के अंदर कितनी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी सीएनजी ब्रेजा के साथ में। सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत करेंगे, आपको ग्रिल पूरी चेंज, मतलब कि जो फेसलिफ्ट के साथ में जैसी आपको डिज़ाइन लैंग्वेज कैरेक्टर के साथ में देखने को मिल रही है, वही सेम डिज़ाइन लैंग्वेज आपको फॉलो होती हुई देखने को मिलेगी ब्रेजा सीएनजी के साथ में भी, जो कि सेम एक्सटर्नल पार्ट्स जो कि कॉस्मेटिक चेंजेस जहाँ पे वो लेकर आई है ब्रेजा ऑलरेडी फेसलिफ्ट के साथ में अपडेट हो चुकी है, तो उसके साथ में जैसे कॉस्मेटिक चीज़ों के साथ में फीचर्स या फिर डिज़ाइन को रखा गया है वही सेम चीज़ आपको सीएनजी में मिलने वाली है। सेम ग्रिल होगी, हेडलैम्प्स का सेटअप, फ्रंट की जो बम्पर की रेडिएटर ग्रिल होगी, सारी कुछ चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेगी। साइड में भी कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, टायर साइज वगैरह सेम होगा, अलग व्हील की डिज़ाइन हो सकता है वहाँ पर चेंजेस आ जाए, आपको स्टील व्हील मिल सकते हैं, और जो टॉप एंड होगा सीएनजी का वहाँ पे आपको हो सकता है कि नॉर्मल अलॉय व्हील्स देखने को मिले, कि डायमंड कट अलॉय व्हील्स वहाँ पे आपको शायद देखने को ना भी मिले, लेकिन वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कम है क्योंकि जो ऑटो एक्सपो के अंदर हमने सीएनजी वर्जन देखा था वहाँ पे डायमंड कट अलॉय व्हील्स सेम जैसे नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड में मिलता है वही सेम यूनिट हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये भी आप बोल सकते हो कि जो टॉप एंड वेरिएंट होगा सीएनजी का वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ब्रेजा ZXi प्लस वाली देखने को मिलने वाली है। तो रियर के अंदर भी कोई भी चीज़ आपको नई देखने को नहीं मिलने वाली है, सेम आपको टेल लैम्प्स का सेटअप होगा, नीचे आपको बम्पर के ऊपर जैसी ट्रीटमेंट नॉर्मल ब्रेजा के साथ में मिलती है वही सेम चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगी सीएनजी के साथ में। एक्सटीरियर में आपको फ्रंट एंड रियर विंडशील्ड के ऊपर सीएनजी की स्टिकरिंग देखने को मिलेगी, उसके अलावा और कोई भी सीएनजी की बैजिंग वगैरह कहीं पर भी गाड़ी के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। आपको पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं मिलने वाली, लेकिन सिंगल पेन सनरूफ वॉइस असिस्टेंट के साथ में सीएनजी के साथ में भी मिलेगी, और सीएनजी के साथ में भी आपको ड्यूअल टोन का कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जो मैट के साथ में नया ग्रे कलर इंट्रोड्यूस किया है ब्रेजा के साथ में मारुति ने, वो भी आपको इसके साथ में देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एक्सटीरियर के बारे में थी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वो होने वाला है इंटीरियर। इंटीरियर के अंदर कुल मिला के कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, जैसा एक्सटीरियर के अंदर सेम रहने वाला है वैसे ही आपको इंटीरियर के अंदर नॉर्मल ब्रेजा जो नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ में आ रही है वही सारी सेम चीज़ें मिलेगी, सेम फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको फिजिकल बटन्स देखने को मिलेंगे गाड़ी को पेट्रोल से सीएनजी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, उतनी चीज़ें आपको चेंज देखने को मिलेगी जो कि एचयूडी वाला जो फिजिकल बटन होता है उसी के नीचे प्लेस्ड होंगी, और ये सारी चीज़ें आपको इंटीरियर अंदर देखने को मिलने वाले। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें नॉर्मल ब्रेजा में आपको अभी आज की डेट के ऊपर मिलते हैं वही सेम चीज़ें सेम कॉन्फ़िगरेशन और सेम फीचर्स के साथ में सीएनजी ब्रेजा के साथ में भी मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के इंटीरियर के साथ में होने वाली है, कोई भी चेंज आपको टेक्निकल फीचर वाइज देखने को नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की अब बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है इंजन ऑप्शंस एंड गियरबॉक्स ऑप्शन। तो वहाँ पे भी लिटरली मतलब कि कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। वेरिएंट्स की बात करें कि कितने वेरिएंट्स आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिल सकते हैं, तो LXi और ZXi
प्लस को छोड़ के बीच वाले जितने भी वेरियंट्स आपको नॉर्मल ब्रेजा के अंदर मिलते हैं वो सारे सेम आपको CNG के साथ में भी मिलने वाले, अभी ऐसी लीक्स है। बाकी अगर ZXI प्लस आ भी जाता है CNG के साथ में तो वो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने ऑटो एक्सपो के अंदर देखा था वहाँ पे ZXI प्लस को शोकेस किया गया था, तो इस वजह से जो लीक्स सामने आई है LXI प्लस आपको नया इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा CNG के साथ में, स्पेशली नॉर्मल ब्रेजा के साथ में LXI प्लस नहीं आएगा। तो LXI प्लस, VXI, VXI प्लस, ZXI एंड ZXI प्लस, इतने वेरियंट्स आपको CNG ब्रेजा के साथ में देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिला के इतनी चीज़ें आपको ब्रेजा CNG के साथ में वेरियंट्स के टर्म्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। हम ऑलरेडी अभी इंजन और गेयरबॉक्स ऑप्शंस की बात कर रहे थे, लेकिन उसी के दौरान हमने वेरियंट्स की बात कर ली, तो अब बात करेंगे डिटेल में कि कितने इंजन ऑप्शंस और गेयरबॉक्स ऑप्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो CNG ब्रेजा के साथ में। तो अभी पाइपलाइन के अंदर तो डीजल इंजन भी है, अंडर द प्रोडक्शन है, लेकिन मारुति कब उसको लॉन्च करेगी वो किसी को नहीं पता। शायद BS6 के नॉर्म्स जो हट जाएंगे उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन इंजन और गेयरबॉक्स के अंदर होने वाले बदलाव की बात करें तो वहाँ पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही इंजन है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, वही सेम आपको CNG के साथ में भी मिलेगा। अब नॉर्मल जो फेसलिफ्टेड ब्रेजा है उसके साथ में आपको 5 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, तो CNG के साथ में भी सेम कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के इतनी चीज़ें आपके इंजन ऑप्शंस और गेयरबॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी, और कोई भी नया एडिशन या फिर रिमूवल नहीं होने वाला है, क्योंकि यही एक इकलौता इंजन है जो कि आप मारुति के पूरे लाइनअप के अंदर देखते आ रहे हो, जो कि जितनी भी गाड़ियाँ 10 लाख से ऊपर वाली है उन सब में ये इंजन आपको देखने को मिलता है। अर्टिगा, XL6, नेक्सा की भी जितनी भी 10 लाख से ऊपर वाली रेंज के अंदर गाड़ियाँ आती है वो सारी गाड़ियों के अंदर सेम इंजन यूज़ किया जाता है। तो डीजल इंजन तो कब आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो यही सारी चीज़ें आपको मारुति के अंदर देखने को मिलती है। लॉन्च डेट की और प्राइसिंग की अब बात करेंगे, जिसके लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करेंगे तो गाड़ी ज़्यादातर आपको बजट के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों को भी पता है कि जितने भी लोग ब्रेजा को CNG के साथ में कंसिडर करेंगे वो सारे लोगों का बजट थोड़ा सा टाइट रहने वाला है, इसी वजह से CNG लेना चाहते हैं। तो मारुति भी नहीं चाहेगी कि ज़्यादा ओवर कॉस्ट हो जाए गाड़ी, या फिर जो नॉर्मल ब्रेजा है उससे भी ज़्यादा कॉस्ट हो जाए, क्योंकि जो आज की डेट के ऊपर नॉर्मल ब्रेजा आपको मिलते हैं वो ऑलमोस्ट 13 लाख तक जाती है। तो इस वजह से CNG को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 7 से लेकर 11 लाख एक शोरूम, और जो ऑन रोड है उसकी बात करें तो 12.5 लाख ऑन रोड आप मान के चल सकते हो CNG के साथ में टॉप एंड वेरियंट के साथ में। माइलेज की बात करें तो ये CNG के साथ में 25 से भी ज़्यादा कम देने वाली है, तो अप्रॉक्स 25 प्लस किलोमीटर पर किलोग्राम इतनी माइलेज की जो लीक्स आ रही है वो ARAI माइलेज है, 99% फाइनल है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लॉन्च जो होगा अप्रैल से लेके मई के बीच में आपको देखने को मिलेगी गाड़ी रोड्स के ऊपर, मतलब कि अप्रैल से अगर लॉन्च हुई तो मई के एंड तक आपको डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ब्रेजा CNG के साथ में होने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगली वीडियो तक दोस्तों, ड्राइव सेफ, थैंक यू।